लीजिए इसको। ये क्या है? पत्रिका है। अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र कहाँ से हो गया? पुत्र नहीं, पत्रिका है, संदेश है, चिट्ठी। अच्छा, ए! ए! ये चिट्ठी है। हाँ। चिट्ठी साहब से, चिट्ठी चिट्ठी। अबे मोर बयान, बहुत सीठी मारा था, यदि ये मार दे ये सीठी तो ऐसा मरियो सीठी तो रे कि हुन बहर गांव चिल्लात रही है, रात भर सीठी मरी है। बहुत अच्छा साउंड सर्विस है भाई। अरे ये मका लिखो है, इसमें लिखा है छेरी गई सारम, ये कहे लिखो छेरी गई है सारम। अरे अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः, तब ही तो स्वाचत्य छेरी कहे का गे सारम। यार पन्ना पलटिए, सत्यनाशी वेद प्रकाशी तलैया निवासी, सब राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी, ये कहे घुसी भैया राजी खुशी, क्यों घुसी आखी में बिड़गा का कुछ। आपको दूषित किया जाता है कि मेरे यहाँ मेरी लकड़ी का, पहले पढ़ना सीखो, दूषित नहीं है, सूचित है, सूचित सूच। हाँ यहाँ लिखो व्यास जी, तब ही तो सोचते कि दूषित कहे का कीन जात है। और आगे लिखा है कि मेरे यहाँ मेरी लकड़ी का सितंबर हो रहा है। बढ़िया, कहाँ पढ़े हो? ये सितंबर अक्टूबर, इसमें क्यों लिख दिया है व्यास जी? लड़की का स्वयंवर हो रहा है लिखा है, देखो। अच्छा लड़की का, अच्छा उजेले में दिखाई नहीं पड़ता लगता है तुमको। हाँ अंधेले का जो है प्रबंध कर दिया जाए, इसको ना बंद किया जाए। इसमें आगे तो व्यास जी यही लिखा है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार कुंवारी रह जाएगी, लड़की कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। अच्छा तो मुझको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाइए। ठीक है तो मैं सीधे पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल सीधे पहुंचिए वहीं पे। ये क्या हो रहा है टिड़िंग झिड़िंग, ये राट क्यों बंद हुए गए, ये टेढ़ा मेढ़ा क्या है, यहाँ भीड़ क्यों है? मूछे वाले राजा कैसे आए यहाँ? मैं भी राजा हूं, है कोई इंतजामकारी, कोई है यहाँ? उधया का टेंट लाग है, कोई नहीं है। ये क्या है? ये धनुष। ओ ये मनुष्य, धनुष है, मनुष्य नहीं है, धनुष। अच्छा ये धनुष है, इसको क्या करना है? इसको तोड़ना है। बस बस तोड़ना भर है। अरे राजा साहब, ओ हम हैं यहाँ के इंतजाम कारक, बताएं मैं ये आप क्या चाहते हैं? मैं सुच की पुच्छ चाहता हूँ। ये क्या होता है? ये मंगवाया जाए खाने के लिए, सुच की पुच्छ। अच्छा, ये खाने की वस्तु है। सुच की पुच्छ तुम नहीं जानते हो? नहीं जानते। बहुत सुखाते चले जा रहे हो। अरे देखो हम लोग योगी जी के यहाँ हैं। अच्छा अच्छा, और योगी लोग हैं। अच्छा योगी लोग हो, यही से जो है सुखात चलो जाता। हाँ योगी या सुखात है। हाँ तो आप सुच की पुच्छ जानते हैं? नहीं जानते भाई, बताएं क्या होता है? सुच की पुच्छ वो होती है, क्या होता है? जब महुआ का पेड़ जब फल देता है, फल। अच्छा हाँ। फल लगते हैं, गुलाइंदा जिसको बोलते हैं, गुलाइंदा। अच्छा अच्छा, गुलाइंदा जाना थी यहाँ, अब नए लौंडा चाहे ना जाना थो, गुलाइंदा जो है पक जाए। अच्छा तो पक जाए, जब चुई जाए नीचे तो उठा लायो, और उठाने के बाद में पिलपिला के धर दाबे तो सोच निकल जाई पुच्छ बची। अच्छा तो मतलब गुठली निकल जाई। अब पुच्छ का खाए, अरे क्या टेस्ट पुच्छ खाना आज के बाद, सेहत बनेगी। उसका बुकला जो होता है, सेहत बनाने वाली दवा है। कर रहे हैं क्या? ये सेहत बनाने वाली तो दवा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये हाँ हाँ, ये धनुष यज्ञ हो रहा है। आप भी कोई राजा हैं क्या? हाँ का लागत था? नहीं पूछ रहे हैं भाई, हमें मालूम नहीं तो। अरे मैं भी राजा हूँ, राजा। तो वही पूछना चाहते हैं कि आप भी कोई राजा हैं क्या? कहे कोनो शंका है का? शंका नहीं, पूछ रहे हैं कि आप। अरे मैं राजा हूँ, राजा। यहाँ तो अनेकों प्रकार के राजा आते हैं, दुष्ट भी आते हैं, साधु भी आते हैं, तो जानना चाहते हैं कि आप भी कोई राजा हैं, किस प्रवृत्ति के राजा हैं?
बताएं मैं किस प्रवृत्ति का राजा हूँ। जी मैं इस प्रवृत्ति का राजा हूँ। किस प्रवृत्ति के हैं आप? आपके जो है मुंह की प्रगति का जो है राजा हूँ। मुंह की आप सूख रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए जो है समय नहीं है। और सीधे जो है ये बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये धनुष यज्ञ समारोह हो रहा है, सीता जी का स्वयंवर। अच्छा, सीता जी का स्वयंवर, स्वयंवर समझ रहे हैं आप? सीता जी लड़की होगी? जी 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 लड़की। अच्छा लड़की, अर्थात कन्या। कन्या पुत्री। पुत्री बहुत ज्ञानी। मोड़ी। बहुत ज्ञानी है। मोड़ी। मोड़ी छौनी। बिन्नु। बिन्नु बिन्नु आओ। बिन्नु होगी तो उसी का जो है लड़की स्वयं बर रही है। जी जी। अच्छा लड़की स्वयं आगे लगा के बर रही है? कैसे बर रही है भैया? अरे नहीं भाई, आगे लगा के बर नहीं रही है, उन्हीं का स्वयं बर हो रहा है, अर्थात विवाह की तैयारियां चल रही है। विवाह विवाह हो रहा है। जी जी। मिस विवाह। ये क्या है? ये मिस क्या हो गया? ये विवाह को मिस कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरा कई बार मिस हुआ है ना। अच्छा आपका हुआ है? हाँ, तो मैं सोचा तो आपने बताया नहीं कि आप भी कोई राजा हैं, कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? मैं अपने घर से आया हूँ। हाँ, कहाँ पर घर है आपका? मेरा घर है नीम के सामने। अरे नीम के सामने? ये पीछे नीम खड़ी है, इसी के सामने है क्या? सामने मेरा घर है। नदी यदि तालाब जो बह रहा है? हाँ, उसी के सामने है। उसी के तालाब मेरे सामने है घर के। अच्छा अच्छा, तालाब घर के सामने तालाब है। तालाब है। अच्छा अच्छा, दोनों आमने सामने है। आमने सामने है। मैं वहीं से हूँ। अरे वाह, तो आप भी राजा हैं? मैं कह दैया बताऊं कि राजा हो यार, मैं राजा हूँ, तुम्हारा फर्नीचर बिगाड़ दूंगा। किस प्रदेश से आए हैं आप? किस देश के राजा हैं? देख तो पहले यह बताओ कि तय जो है राजा ही कि कोनो हिनकियार कोनो इंतजामकारी? मैं तो इंतजामकारक हूँ यहाँ के, हम तो सेवक हैं राजा जनक जी के। अच्छा, तो तिल्ले खेकेलाने भेजोगे वही कहाँ से कौन राजा आया? हाँ जी, ये सब हमारे संरक्षण में कार्य चल रहा है ना। अच्छा। हाँ, हम ही यहाँ का संचालन कर रहे हैं। अच्छा, देखने की व्यवस्था कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ से आए हैं, बैठाने उठाने की सारी व्यवस्थाएं इत्यादि इत्यादि। अच्छा, इत्यादि इत्यादि भी है? जी जी जी। इत्यादि इत्यादि है तभी जो है आप मग्न रहते हैं। क्यों झंगट टाकोगे? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बताया ना कि ये सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। ये क्या करना है इसको? ये अजगव है। अरे तो क्यों रखा है ये? अरे इसको तोड़ना है, पहले उठाना है, चढ़ाना है, फिर इसको तोड़ना है। बस जी, पहले उठाना है बस। अर्थात बहुत आपके लिए हमेशा प्रतीत होता है कि यह कार्य बहुत छोटा। एक उंगली से, एक उंगली से। अरे वाह, साधुवाद आपकी वीरता को। कह दो तो तोड़ दूं। तोड़ दो? तोड़ देंगे? कहते हैं भाई नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो सही कह रहे हैं। 420 नंबर की खाली करवाओ, वहाँ पे मुझे बैठा लो। 420 नंबर की? जी वही कुर्सी में बैठता हूँ। तो आप 420 ही हैं क्या? ए ज्यादा बात ना करो, सीधे कुर्सी डरवाओ। 420 कुर्सियाँ तो यहाँ लगी हैं। अरे यार राजा हूँ। देखो यहाँ पर 9999 जो कुर्सियाँ हैं वह भर चुकी हैं। तो और दसवें नंबर की कुर्सी जो है, दसवें हजार नंबर की। अच्छा। जो कुर्सी है वही समय रिक्त है। तो चलिए, तो उस स्थान की पूर्ति आप करें। चलिए आपका स्वागत है। अब आप देखें वीर रस से उत्तम प्रोत प्रसंग। सभा मध्य तही अवसर आए रावण बाण। उसी समय रावण और बाणासुर का प्रवेश हुआ।